हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का पैरेंट चैनल एक्सट्रीम मैथ। और आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इफ एक्स इज इक्वल टू 2 + √3 तो फाइंड द वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x². ठीक है, बच्चे अक्सर इसमें अटक जाते हैं। क्वेश्चन ईजी है, कोई बात नहीं है, बड़ा आराम से आ जाता है समझ में। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो रखते हैं x इज इक्वल टू 2 + √3। ठीक है, पता है हमको। हमें देखो इसके फॉर्म में तो है, x की फॉर्म में तो है वैल्यू, लेकिन 1/x की फॉर्म में नहीं है वैल्यू, 1/x की फॉर्म में। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व तो जब हम करेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू हो और 1/x की वैल्यू हो, तभी तो हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो हम हमारे पास x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/x कर दें भाई। 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है x की वो भी 1/ में चली जाएगी। ठीक है ना, वो भी वैल्यू 1/x में चली जाएगी। तो मतलब 1/ में चली जाएगी, 1/ क्या हो जाएगी, 2 + √3। अब देखो, अब ये जो है 1/2 + √3, अब इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी ब्रैकेट है यानी कि जैसे 2 + √3 है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करा, 2 + √3 है तो 2 - √3 करा, ऊपर मल्टीप्लाई करी इसकी और नीचे भी इसकी मल्टीप्लाई करी। ठीक है, क्योंकि मैथ का रूल ये है, जो भी अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर नीचे करोगे, डिवाइड करे तो वो भी ऊपर नीचे करोगे। ठीक है, जो भी कुछ करते हैं वो ऊपर नीचे दोनों साइड में ही होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो 1 की मल्टीप्लाई इससे हुई तो कितना हो गया, ये यही रहेगा 2 - √3। अब देखो ये जो ब्रैकेट है, एक तो है 2 + √3, एक है 2 - √3, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे a प्लस का भी a माइनस का भी हो, जैसे ये हमने फार्मूला पहले पढ़ रखा a प्लस का भी a माइनस का भी, तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि अगर a को 2 माना जाए और b को 3 √3 माना जाए तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला खोल दिया हमने। ठीक, तो अब क्या हुआ, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 यानी कि ये क्या होता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, आपको पता ही पहले से। ठीक है, तो ये कट गया तो कितना हो जाए 3, तो ये क्या हो गया 2 - √3/1। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/x = 2 - √3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, 1/x की। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था इस फॉर्म में x प्लस का 1/x की फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख लूँ x + 1/x। तो x की वैल्यू क्या है, ऊपर दे रखी है हमें क्या, 2 + √3। ठीक है, एक ब्रैकेट में रखा, प्लस का साइन लगाया, फिर 1/x की वैल्यू जो भी निकल गई है इसको रखा 2 - √3। अब क्या करूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, ब्रैकेट हटाया तो क्या बनेगा, 2 + √3 + 2 - √3। अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। देखो मेरे पास इस फॉर्म में तो आ गया x + 1/x = 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करूं मैं, अगर मैं क्या करूं, मैं अगर मुझे स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, दोनों साइडों के स्क्वायर। देखो यहां पे भी दोनों साइड करनी पड़ेगी, जो भी काम करेंगे हम दोनों साइड करनी पड़ती है, ऊपर नीचे दोनों साइड करनी पड़ती है। ठीक है, मैथ का रूल है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कैसे कर दिया, क्या करा, एक्स प्लस का 1/x का होल स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर कर दिया। अब एक चीज देखो, ये a प्लस बी नहीं लग रहा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो अगर a x है और b तुम्हारा 1/x है तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक है, अब यहां क्या हुआ, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² प्लस का 2 = 16 बचेगा ना, बचेगा। ठीक है ना, क्या बचा हमारे पास, हमारे बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² प्लस का 2 = 16। अब देखो ये जो 2 है ये नंबर की तरफ, नंबर की साइड जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा, तो जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 - 2 तो कितना हो जाएगा 14। तो ये तो निकालना था, देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² = 14 आ गया। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।